अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में बड़ा मज़ा आएगा। मेरे रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो रेडी हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये गाड़ियां जब मैंने ख़रीदी थी इनकी हालत क्या थी, और अब गाड़ी रेडी हो गई है तो अब क्या है। और इसमें वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि कितनी प्राइस पर गाड़ियाँ ली थी, रेडी कितने की हुई, अब गाड़ी ये सेल आउट कितने की होगी। दूसरा, लोग पूछते हैं कि भाई कोई गैराज सजेस्ट करें कि हम किस गैराज से गाड़ी बनवाएं, तो रसल कोर में हमारा एक और गैराज है, मैं उसकी भी डिटेल्स आपके साथ मेंशन कर दूंगा जहाँ पे मैं अभी हूँ। इसमें आपको मैं सारा गाइड कर दूंगा कि गाड़ियों के बारे में इधर रेडी किस तरह से करवा सकते हैं, बजट कैसे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो बजट गाड़ी का प्रोवाइड किया जाएगा, जिस बजट में गाड़ी रेडी होगी, वो बजट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी थिंग हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, आपकी गाड़ियाँ भी रेडी होंगी। आप मेरे साथ भी अपना प्लान शेयर कर सकते हैं कि ब्रो ये गाड़ी है, इसको रेडी करवाना है, या डायरेक्ट जो गैराज को डील कर रहा होता है मैं उसका नंबर दे दूंगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे कभी आपका कांटेक्ट नहीं भी होगा, थोड़ा बहुत आपका भाई बिजी होता है। तो खैर, इस वीडियो में बेंटले है जो कि रिसेंटली रेडी हुई है, उसकी मैं पिक्चर आपके साथ सारी पोस्ट करता हूँ, जो कि लेने से पहले की क्या हालत थी और अब क्या उसकी हालत है वो तो आप वीडियो में देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों देखने के लिए मेरे साथ रहें, आज के व्लॉग में मज़ा आएगा, मैं अभी आपको दिखा दूँ। तो आज इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि ये गाड़ी की हालत क्या थी और अब गाड़ी की हालत क्या है और हमने इसको किस तरह से बना लिया। बेसिकली हम ऑफ रोड गाड़ियों का भी काम कर रहे होते हैं, उनकी सस्पेंशन चेंज होती है, उनको मॉडिफाई किया जाता है, लाइक उनको टोटल कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो लाइक ऑफ रोड गाड़ी की, हम वो भी बताएँगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा गैराज का रिव्यू दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गाड़ी जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली रेडी हो गया है हमारा, उसके बारे में बताता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम किस टाइप का काम करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स किस तरह से होते हैं। ये सबसे पहले है सस्पेंशन का, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, वो सारी हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये मर्सिडीज़ है और ये बेंटले है जो कि रिसेंटली हम लोगों ने ख़रीदी थी। ये 2014 मॉडल था और इस गाड़ी की माइलेज भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत कम चली हुई है, जस्ट 40,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई थी। अब ये गाड़ी आप इस वक्त चेक करें तो गाड़ी की ये कंडीशन है, और जब आपको मैंने इसकी कंडीशन दिखानी है कि भाई जब ली थी इसकी कंडीशन क्या थी, तो आपने परेशान हो जाना है कि यार यहाँ पर काम करने का लेवल क्या है, कि मतलब जब गाड़ी आती है तो वो दिखने में क्या होती है और जब रेडी हो जाती है तो वो गाड़ी की हालत क्या होती है। अब देखें आप, खूबसूरत तरीन गाड़ी है, मतलब टोटल रेडी हो चुकी है, कोई चीज़ नहीं है, कोई काम नहीं है जो होने वाला है, रेडी टू गो है, और ऊपर से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। देख रहे हैं आप, खूबसूरत टेल है, ब्यूटीफुल लॉयरिंग, और अंदर से भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसका फ्लो है क्या। तो मैंने कहा आप जो रिसेंटली प्रोजेक्ट एक रेडी किया है आप भाइयों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो लेट हो जाती हैं, कुछ के बारे में मैं बता नहीं पाता। तो मैंने कहा आज मैं आपको गैराज में लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि रीसेंट प्रोजेक्ट एक ये था, ये रेडी हो चुका है। ऑडी 8 है, वो भी रेडी हो चुकी है, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी एक मेरी बेंटले एक और थी मेरे पास, 2014 मॉडल है और वाइट कलर, और टोटल कांचा पीस है यार, टोटल कांचा पीस था अपना, 40,000 किलोमीटर जस्ट चली हुई थी। तो वो गाड़ी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की अभी कंडीशन क्या है, उसके बाद इसके साथ मैं पोस्ट कर दूंगा वो पिक्चर्स जब मैंने गाड़ी ली थी तो गाड़ी की हालत क्या थी। खूबसूरत गाड़ी है सर, खूबसूरत जिसे कहते हैं ना, वो खूबसूरत की डेफिनेशन ये गाड़ी है। अब मैं आपको सारा दिखाता हूँ, बैक से देखें, बैक का इसका था वो सारा काम, इसका हमने हर चीज़ को इम्प्रूव किया, टोटल गाड़ी को काम किया, और काम ऐसा यहाँ पे किया जाता है कि कोई पहचान नहीं सकता कि इस गाड़ी पर कोई काम हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करूँ भाई, अगर इंटीरियर दिखाएँ आप, खूबसूरत तरीन इंटीरियर, और देख रहे हैं आप गाड़ी का साउंड मजे का है, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। अब इस गाड़ी को देख के भी बता सकता है कि ये गाड़ी भी कभी एक्सीडेंटल थी, इस गाड़ी का भी कोई काम होने वाला था। खैर, हमने उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया। अब गाड़ी को अगर फ्रंट से दिखाएं भाई, तो आइडिया हो थोड़े से व्यूअर्स को कि गाड़ी का क्या प्रॉब्लम। V12 है,
खैर ये सारा प्रोजेक्ट जो है हमारा रेडी टू गो है, और इस गाड़ी को अगर मार्जिन और हमने कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में इस गाड़ी को ख़रीदा वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो खैर ये तो हमारा वो प्रोजेक्ट है जो कि रिसेंटली कम्प्लीट हुआ है। अब इसका मैं आपको अगर बताऊं कि गाड़ी मैंने कितने की ली थी, गाड़ी रेडी कितने की गई, गाड़ी आगे सेल आउट भी कर दी हुई है और कितने की है, तो खैर वो सारी चीज़ें इस वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स के अलावा जो हम जैसे कि मैंने बताया कि हम 4x4 जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी सस्पेंशन का और डिफरेंट चीज़ें मॉडिफिकेशन का भी काम करते हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जैसे कि अब ये गाड़ी हम लोगों के पास आई हुई है, इसकी हेडलाइट्स, इसकी किटशीट, इसके टायर, सस्पेंशन सब कुछ चेंज होना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में भी बता देंगे कि अब ये गाड़ी की हालत ये थी, अब गाड़ी को हमने रेडी कर लिया। एक बेंटले ये हमारे पास खड़ी हुई है, ये 2009 मॉडल है, ये उतनी क्लीन गाड़ी नहीं है जितनी वो है, लेकिन इसका भी कुछ काम होने वाला था, वो सारा रेडी हो गया हुआ है, पेंट मैच होने वाला है, आप देख रहे होंगे कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी फुल हाउस एक गाड़ी है और बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, ये चेक कर रहे हैं। तो खैर ये तो आज आपको मैं वो प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ जो कि कंप्लीट हो गए हुए हैं। और दूसरी जो हमने ऑडी ली थी, ऑडी भी रेडी हो चुकी है, आज मैं गया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला उस पर वीडियो बनाने का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं ऑडी के बारे में भी बताऊँगा, और ऑडी को मैंने सेल आउट भी कर दिया हुआ है, तो आपके साथ प्रॉफिट मार्जिन भी शेयर होगा कि क्या प्रॉफिट मार्जिन है उसका। अब जैसे ये इन्फिनिटी खड़ी हुई है, इसकी कुछ मॉडिफिकेशन का काम होना है, उसको हमने रेडी करना है, तो इंशाल्लाह ताला इस गराज से आपको काम करवाने में या मेरे थ्रू आपको कोई गराज की कोई भी फैसिलिटी चाहिए हो तो उसमें आपको भाई आप बड़ा अच्छा प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, जो बिल आपको मिलेगा आपका भाई उसमें से और डिस्काउंट आप लोगों को करवा के देगा, और जो सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड होगी उस पर भी मैं प्रॉपर उसको देख रहा हूँगा कि इसको किस तरह से हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आप जैसे मेरे भाई जो आएँ जो गाड़ियों को रेडी करवाएं, मैं उनको किस तरह फैसिलिटेट कर सकता हूं, उनका बजट को कम रखूं ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। तो अब मैं आपकी थोड़ी सी हम डिस्कशन बिलाल भाई और मुस्तफ़ा भाई हैं, इनसे मैं करवा देता हूं, वो गाड़ियों के बारे में मज़ीद बता देंगे। सलाम अलैकुम बिलाल भाई। भाई थोड़ा सा 4x4 के बारे में बताएं ना, तो इस पर क्या मॉडिफिकेशन आपने की हुई है इस गाड़ी पर? मतलब ऑफ रोड टायर आप सारे डालते हैं और सस्पेंशन, इसका मुझे लग रहा है आपने सस्पेंशन का भी सारा किया हुआ है। सस्पेंशन फुल इसके अपग्रेड किए हैं, मतलब कि ओरिजिनल निकाल के डुबिसन के लगाए, ऑफ रोड सस्पेंशन लगाए हैं इनके। तो भाई मुस्तफ़ा भाई मुझे तो लग रहा है इसकी हाइट भी काफ़ी बढ़ गई है। मैं 6'2" हूं, ये देखें, ये मुस्तफ़ा भाई 6'2" हाइट है इनकी, लेकिन गाड़ी इनसे भी ऊंची हुई हुई है, क्योंकि मज़े की बात ये जो ऑफ रोड के टायर्स है ना, ये और सस्पेंशन, ये ऑफ रोड पे आप चलाएंगे ना ऐसा लग रहा है रोड पे चला रहे हैं। इसके कोई वाइब्रेशन नहीं है, आप अगर आप पूरे डाले हैं, पूरा वर्क किया है, ये आपकी गाड़ी को हिलने नहीं देती है, ये आपकी गाड़ी को स्टेबल रखती है। अभी तो इसकी बाकी है काम करना है, कि मसलन कि इसका ऑफ रोड बम्पर इंस्टॉल होगा अभी, और वो हमने पीछे इंस्टॉल किए कैबन इसका पीछे वाला। ओके ब्यूटीफुल। अब बेसिकली ये कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं वो क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ये गाड़ी हमारी अफ्रीका जा रही है और राइट हैंड गाड़ी को हम लेफ्ट हैंड कर देंगे, लेफ्ट हैंड गाड़ी को राइट हैंड भी कर देंगे, मतलब ये फैसिलिटी भी आपको इस गैराज में मिलेगी। तो इन शॉर्ट सारी चीज़ों की सर्विसेज आपको एक जगह पर मिलेंगी। गाड़ियाँ एक्सीडेंटल के बारे में मैं प्रोवाइड करूँगा, बाद में मैं बताऊंगा आपको कि किस गैराज से हम इस गाड़ी को रेडी करवा सकते हैं, बजाय कि मैं आपको किसी थर्ड पार्टी के गैराज में भेजूँ, वो आपका बजट इतना बना देगा कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर मैं अपना गैराज रिकमेंड करता हूं, तो उसका रिकमेंड करने का मकसद ये होगा कि मैं आपके बजट को मिनिमम से मिनिमम करूं। अच्छा भाई, तो बैक साइड पे इसका हमने क्या करना है? जी ये हमने इसका कैबिन इंस्टॉल किया है अभी, और ये बम्पर फुल उतार देंगे, इसको ऑफ रोड बम्पर लगाएंगे, आगे का भी ऑफ रोड लगेगा, और उसके बाद इसकी लाइट्स लगेंगी, वो ऑलरेडी सामान आया पड़ा है। तो इसकी लाइट्स कुछ हम चेंज कर रहे हैं, बैक बम्पर और फ्रंट बम्पर जो है ये भी ऑफ रोड अभी इंस्टॉल होना है, इसके अलावा मज़ीद इसके ऊपर जौन सी लाइट्स डलनी है मैं वो लाइट्स का भी आपको दिखाता हूँ, कि एसेसरीज़ की कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब गाड़ी को कंप्लीट मॉडिफिकेशन और उसको कन्वर्जन जो है वो सारी हर तरह से होती हैं। ये जैसे कि ये अब लाइट्स हैं, ये अब सारी यू नो ऑफ रोड पर जो गाड़ी के लिए हमें फ्रंट बम्पर और बैक के लिए चाहिए वो सारी हम इंस्टॉल करेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट ये गाड़ी आपकी डिमांड और आपके अकॉर्डिंग हम लोग रेडी करते हैं। अच्छा दूसरा इसमें स्पेसर का बता रहे हैं आपके, वो भी इंस्टॉल किए हुए हैं? जी ये
ये मसलन के ऑफ रोड में मसला ये आता है कि जैसे लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने हिसाब से बड़ा टायर लगाना चाहते हैं पर टायर टच होते हैं तो उनका भी हल हमारे पास है। मसलन हम जर्मनी के स्पेसर डालते हैं और लोअर आर्म या अपर आर्म डालते हैं जिससे आपके टायर्स टच नहीं होते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बिल्कुल ठीक है, मतलब वो सस्पेंशन का कोई इशू फेस नहीं करते कि टायर आपस में जो है वो टच कर रहे हो। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट जो है इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऑफ रोड का ही है, इसकी सारा हमने फ्रंट और लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज होनी है, इंस्टॉल करनी है। अच्छा, अभी नेविगेशन इंस्टॉल होगी इसके अंदर। इसमें हम स्पीकर लगाएंगे अपडेट मॉडल और टेस्ला का नेविगेशन सिस्टम स्क्रीन सिस्टम इसमें इंस्टॉल करें। ओके, तो नेविगेशन के साथ साथ टेस्ला का भी टच मिल रहा है जी हमें अंदर गाड़ी के। इसमें भी इंस्टॉलमेंट होगी, ये भी गाड़ी नहीं, इसमें इधर मतलब कटिंग करेंगे बुफर अच्छे टाइप के अच्छी क्वालिटीज के बुफर लगेंगे, उसके बाद स्क्रीन लगेगी फुल टच। ओके, तो खैर ये अभी ये जो गाड़ी है अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ, अभी जस्ट ये आई है, ये एक कस्टमर की है जो कि इसके अंदर नेविगेशन इंस्टॉल करवाना चाह रहा था, स्पीकर इंस्टॉल करवाना चाह रहा था, गाड़ी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहा था। तो खैर ये सारी चीज़ें होंगी और जब ये गाड़ी रेडी हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह एक और ब्लॉग में आपको इसके बारे में भी अपडेट दे दूँगा कि ये अपडेट है। अब आप पूछ रहे होते हैं कि किस टाइप की गाड़ियाँ आप लोग रेडी कर लेते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाऊँगा जो आप देख के कहेंगे कि यार ये गाड़ी रेडी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर हर टाइप की गाड़ी रेडी होती है। अब ये क्लाइंट की ही गाड़ी है जो कि जिसमें आग लग गई थी, और इसका क्या प्रॉब्लम आई थी बिलाल भाई जी? ये गाड़ी चलते हुए रोड पे ऑयल इसका गिरने की वजह से आग लग गई तो हर जगह से इसको मतलब नामुमकिन करार दे दिया गया था हर तरफ, पर हमने इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को पकड़ा है और इंशाल्लाह रेडी करेंगे। तो बिलाल भाई इसका इंजन का क्या बना था, इंजन ठीक था कि वो भी इंजन स्क्योर था, बच गया था, बस वायरिंग जो है इसकी वो मुकम्मल जल गई थी, वो हम वायरिंग अपग्रेड करेंगे। अच्छा जी, तो खैर अब इस प्रोजेक्ट में आप देख लेंगे गाड़ी की हालत देख के हम कहेंगे यार गाड़ी रेडी नहीं हो सकती, लेकिन ये गाड़ी भी रेडी होगी, जब ये भी रेडी होगी तो हम इसका भी आपको इंशाल्लाह डिटेल्स देंगे। बाकी सारी गाड़ी ठीक थी, जस्ट वो ऑयल गिरने की वजह से इसमें आग लगी है और सारी वायरिंग सड़ गई है, इंजन सिक्योर हो गया है। मुसाफा भाई क्या अभी से ठीक करना शुरू कर दिया है? जी ये तो मैं देख के समझे ठीक नहीं होगी, लेकिन इधर तो ठीक हो जाएगी। आपको बताया तो है हर काम होता है भाई हमारे पास यहाँ पे। तो खैर अच्छा, तो आपको वीडियो के एंड पे मैं बताता चलूँ कि बंटले मैंने ख़रीदी कितने की थी, मेरे पैसे कितने लगे, मैंने सेल आउट कितने की। ये बेंटले मैंने ख़रीदी थी 80,000 की, ठीक है, 80,000 की गाड़ी ख़रीदी, 40,000 ऊपर मेरा इसके लगा, 120 में गाड़ी रेडी हुई है और गाड़ी को 140 में मैंने सेल आउट कर दिया। अब मैंने ये अपने क्लाइंट को गाड़ी दी है, गाड़ी की रीसेल 2,00,000 प्लस की है, क्लाइंट के पास 60,000 का मार्जिन है, वो अब चाहे 10,000 मार्जिन रख के बेच दे, 15 रख के बेच दे, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया कि मेरे जो भी क्लाइंट्स हों या मेरे थ्रू जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दूँ। मैं गाड़ी जो रेडी करके भी उनको सेल आउट करता हूँ मैं इस मार्जिन पे करता हूँ कि उनको गाड़ी लेना रेडी करवाना इस सरदर्द में ना पड़ना पड़े, वो गाड़ी लें उसको डेली ड्रिवन में यूज़ भी रखें और साथ गाड़ी को सेल आउट कर दें। तो खैर ये सारा आपके भाई का प्लान है, अगर आप लोग भी इन गाड़ियों में से कोई मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आप एक्सीडेंटल कारोबार के बारे में सीखना चाहते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि भाई हम आपके साथ एज अ साइलेंट पार्टनर काम करना चाहते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट हो, आपकी टीम गाड़ी ले, गाड़ी रेडी करवाए, गाड़ी सेल आउट करे और जो प्रॉफिटेबिलिटी हो वो हम शेयर कर लें, तो ये सारी चीज़ें आपका भाई प्रोवाइड करता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं अपनी ऑडी पे भी डालूंगा, कल या परसों के अंदर मैं उसका व्लॉग भी पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ऑडी अब आपके सामने उसका भी साइकिल था कि कितने में ली, कैसे रेडी हुई, कितने की सेल आउट हुई, वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। तो खैर इसके साथ मुझे दें इजाज़त, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मज़ीद चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस होती रहे, आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करता रहूँ कि किस तरह से कौन सी गाड़ी हमने कितने में उठाई, कितने में रेडी की, कितने में सेल आउट की। और किसी भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, गराज का मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं, नीचे जो बिलाल भाई हैं
जो गैराज को डील कर रहे होते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं होता। ये सारी जो भी डीलिंग होती है वही कर रहे होते हैं। आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के एस्टिमेट भी ले सकते हैं, और मैं उनमें आपको अच्छा डिस्काउंट भी जनरेट करवा दूंगा, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक अच्छी रहे और आप अच्छी एक मार्जिन को जनरेट कर सकें। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।